Hello, good morning everyone. Today we are going to discuss about the permission. Dear friends, what happens in our daily life? We have so many situations in which we become confused how we have to take permission. Let's suppose you are in the office, okay, and you want to take permission from your boss, from your senior. At that time, what word we have to use? And let's suppose another condition, you have to lend money from your friend, you have to lend money from some of your colleagues. At that situation, which word will you use for permission? In the same way, let's suppose you are at your home and you have to ask permission, you have to take permission from your brother, from your sisters and from your family members. So today we will discuss about permission. Okay, now see, dear friends, we know that permission means सामने वाले से आज्ञा लेना. ओके, परमिशन की बात हम लोग कब करते हैं? जब हमें सामने वाले से कुछ लेना होता, कुछ आज्ञा लेना होता, ऑर्डर लेना होता. ओके, तो होता क्या बेसिकली परमिशन हम लोग क्या करते हैं, तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं. एकदम ध्यान से देखिएगा. आज के बाद आई होप यू विल नेवर टैकल एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग परमिशन इन योर होल लाइफ. आज के बाद कभी भी आपको पूरी जिंदगी समस्या नहीं होगी परमिशन लेने के केस में, लेकिन अगले 5-7 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए. ओके, परमिशन की बात करें तीन प्रकार के होता है. पहला होता है फॉर्मल परमिशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल, और तीसरा पोलाइट. ओके, तीन प्रकार के परमिशन होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और पोलाइट. अब फॉर्मल मतलब क्या होता है? फॉर्मल मींस जहां पे हमें फॉर्मेलिटी दिखानी, मींस एट दैट इंस्टेंट वी हैव टू बी ऑफिशियल. यहां पे हमें ऑफिशियल होना है, यहां पे हमें फॉर्मेलिटी दिखानी है. ओके, तो जहां पे हमें फॉर्मेलिटी दिखानी होती है, जहां पे हमें थोड़ा सा ऑफिशियल होना पड़ता है, वहां पे क्या होता है, हम लोग फॉर्मल परमिशन लेते हैं. इनफॉर्मल कहां पे होता है? इनफॉर्मल हम लोग वहां पे लेते हैं जहां पे जिसको हम लोग पहले से जानते होते हैं. ओके, जैसे मान लीजिए आप अपने फैमिली में अगर परमिशन ले रहे हैं किसी से, तो क्या होगा, वहां पे आप फॉर्मल परमिशन की बात करेंगे. ओके, एंड आप अगर किसी स्ट्रेंजर से परमिशन ले रहे हैं, किसी स्ट्रेंजर से ले रहे हैं, अपने सीनियर से ले रहे हैं, ठीक है, अपने बॉस से ले रहे हैं, अपने कंपनी में अपने सीनियर से ले रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपको फॉर्मल की बात करनी है. लेकिन अगर आप अपने फैमिली मेंबर में परमिशन ले रहे हैं, अपने अगर फैमिली मेंबर में किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपको इनफॉर्मल परमिशन शो करना. यहां पे अनऑफिशियल होता है. ये क्या होता है? ये होता है अनऑफिशियल. बात समझ में आ रही है? इनफॉर्मल कहां पे यूज करना है? इसको यूज करना है फैमिली में करना है, फ्रेंड्स के साथ यूज करना है. ओके, फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑल दोज पर्सन टू होम यू नो वेरी वेल. ओके, पोलाइट कहां यूज करना है? जहां पे आपको सामने वाले से कुछ काम लेना है. एक्चुअली होता है क्या है, ये होता है बटरिंग के लिए. बटरिंग समझते हैं? बटरिंग मीन्स बोलना, किसी को पॉलिश लगाना जिससे हमें कुछ काम लेना. ओके, सो क्या होता है, ये तीन हम लोग समझ गए, फॉर्मल, इनफॉर्मल और पोलाइट. अब फॉर्मल के लिए हम लोग यूज करते हैं एक वर्ड होता है मे. हमने आपको बताया है मे के सारे यूज पढ़ाए हैं, ठीक है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां से आप वीडियोस देखिए. हमने मे के बारे में पूरा डिटेल में बताया है कि मे का मॉडल वर्ब कैसे होता है, कौन कौन सा यूज होता है, किस किस कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं. दूसरा होता है इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल हम लोग यूज करते हैं कैन का, CAN, कैन का. और जो पोलाइट होता है, यहां पर हम लोग दो चीजें यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं कुड का, दूसरा यूज करते हैं उड का, ठीक है. पहला उड कर कूड का यूज करते हैं और दूसरा करते हैं उड का यूज करते हैं. मैंने दोनों का आपको अलग अलग से बताया है, कूड के बारे में बताया है और उड के बारे में भी अलग से बताया है. आइए देखते हैं थोड़ा सा, अगर हम लोग बात करें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा. हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हमें परमिशन लेना होता है, तो सबसे पहले हम लोग मॉडल वर्ब यूज करते हैं, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट. तो अगर हम लोग बात करें फॉर्मल में यहां पर, तो यहां का जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे बनेगा, सेम स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बनेगा और सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे. मीन्स वी डू नॉट हैव टू मेक एनी चेंज इन आर स्ट्रक्चर, आवर स्ट्रक्चर विल बी सेम वट एवर वी हैव लर्न इन आर प्रीवियस क्लासेस. ओके, सो अब क्या हो रहा है, जब हमें परमिशन लेना है, किसी स्ट्रेंजर से लेना है, किसी सीनियर से लेना है, बॉस से लेना है, या बोले तो अपने टीचर से लेना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कहते थे, मे आई कम इन सर,
हम लोग क्या कहा करते थे, मे आई कम इन सर, मीन्स वट, हमें यहाँ पे शिष्टाचार दिखाना, यहाँ पे हमें मोरालिटी दिखानी है, जहाँ पे हमें मोरालिटी दिखानी है, शिष्टाचार दिखानी है, वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिखानी है, अपनी मोरालिटी दिखानी है, यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, मोरालिटी दिखाना सामने वाले के प्रति कि हम क्या है, मोरल हैं। ओके, सो एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें इसका, तो क्या हो सकता है, अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो इसका एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लोग बचपन से यूज करते हैं क्या, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सर का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे मोरालिटी दिखा रहे हैं, शिष्टाचार दिखा रहे हैं। जहाँ पे हमें मोरालिटी दिखानी होती है, जहाँ पे हमें ऑफिशियली दिखाना पड़ता है, जहाँ पे हमें शिष्टाचार दिखाना होता है, वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं। लास्ट में देखिए मैंने सर का यूज़ किया, अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको अपने घर में किसी से परमिशन लेनी है, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर में अपने छोटे भाई से परमिशन लेनी है, तो आप वहाँ पे ये नहीं बोलेंगे मे आई कम इन सर, नो, यू विल जस्ट डायरेक्टली से मे आई कम इन, मे आई कम इन, बस सीधे सीधे, यहां पे कोई मोरालिटी, कोई शिष्टाचार नहीं दिखाना। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर, हियर इन केस ऑफ फॉर्मल, जब हम लोग मे का यूज करते हैं तो यहां पे क्या दिखाना होता है, मोरालिटी दिखाना, फॉर्मेलिटी दिखाना। तो हमने क्या किया, यहां पे यूज किया, ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर, सर का यूज देखिए बार बार देखिए मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मेलिटी दिखाना, सम्मान दिखाना, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं कहेंगे, सीधे कहेंगे मे आई गो, आई मैं जा रहा हूँ, फिर मुझे आना। ओके, मीन्स डायरेक्टली देयर इज नो एनी ऑफिशियलिटी। अब बात आती है पोलाइट की, पोलाइट क्या होता है, अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी से परमिशन लेने के लिए, ठीक है, किसी से परमिशन लेने के लिए, ठीक है। पोलाइट क्यों होता है, पोलाइट इसलिए होता है कि उड़ और कुड़ क्या है, अपने आप में पोलाइटनेस के लिए ही जाने जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, पोलाइटनेस के लिए जाने जाते हैं। होता क्या है दोनों में, कुड भी हम लोग यूज करते हैं, अगर मैं इसको मिटा दूं यहाँ पे, तो इसको मैं एग्जांपल को इधर लिख देता हूं, मे आई कम इन, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही सेम कंडीशन में भी यहां पर होगा मे आई गो आउट, जिसको हम लोग याद रखिएगा, ये किसके लिए यूज करना है, जिसको हम लोग जानते हैं पहले से, ठीक है, ये कहां पे यूज करना है, जिसको हम लोग नहीं जानते, जो हमारे लिए क्या है, स्ट्रेंजर है। अब कुड और उड की बात आती है, कुड और उड के कंडीशन में क्या होता है, दोनों एक्चुअल में हैव सेम, बोथ हैव द सेम मीनिंग, बट डिफरेंस क्या होता है कि यहां पे क्या करते हैं हम लोग, जब यहां से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना सेंटेंस, तो यहां पे एक वर्ड होता है प्लीज, जानते होंगे पोलाइटनेस के लिए ये वर्ड यूज होता है, और यहां पे क्या करते हैं, उसे हम लोग लास्ट में यूज करते हैं, और यहां पे क्या करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करते हैं। जैसे देखें हम आपसे एक एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं आपसे, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है क्या, कि कुड यू लेंड मी मनी प्लीज, Could you lend me rupees 1000 please? Could you lend me rupees 1000 please? अब देखिए, अब हमने क्या किया, यहां पे वर्ड का यूज किया प्लीज का, Could you lend me rupees 1000? Could you lend me? Lend मतलब क्या होता है, उधार देना, क्या आप मुझे 1000 रुपीज उधार देंगे, मीन्स वॉट, ये जस्ट आई वॉन्ट टू शो पोलाइटनेस, डियर कुड यू प्लीज गिव मी रुपीज 1000। अब देखिए मेरी बात समझिए, यहां पे हो गया कुड का, और जब हम लोग उड का यूज करते हैं तो कुछ अलग नहीं करना, बस यही प्लीज को उठा के सब्जेक्ट के तुरंत बाद रख देना। कैसे रखना है देखते हैं, यहां पे हम लोग यूज करते हैं क्या, वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज लैंड मी रुपीज 1000। दोनों में अंतर ध्यान से देखना है, यहां पे हमने क्या किया है, प्लीज को सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखा है, और यहां पे हमने प्लीज को सेंटेंस के लास्ट में रखा है, ठीक है। हालांकि एक तरीके से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सामने वाले से परमिशन ही ले रहे हैं, सामने वाले से मुझे काम लेना है, तो हमने क्या कहा, जहां पर हम लोगों को बटरिंग करना होता है, जहां पर हमें पॉलिशिंग करनी होती है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपने परमिशन के लिए कुड या उड का यूज करते हैं। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हम कहें तो यहां पर मैं आपको लिख के वैसा दिखा दे रहा हूं, सी ओ यू एल डी, कुड प्लस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस यहां पे प्लीज, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अगर हम लोग बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर में बस हमें क्या करना है, बस इतना ही करना है, जो प्लीज हमने यहां पे लास्ट में रखा, इसे प्लीज को उठा के यहां पे रख देना है, यहां पे रख देना है, उठा के प्लीज, अगर प्लीज हमने यहां पे रख दिया, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा हो जाएगा उड हो जाएगा,
ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम लोग ये समझ पाए कि परमिशन सामने वाले से कैसे लेना, याद रखिएगा, इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस थ्री कंडीशंस ऑफ परमिशन, देन आई एम वेरी श्योर दैट इफ यू हैव टू टेक परमिशन एनी वन एनी वेयर एट एनी प्लेस यू विल नेवर बिकम कंफ्यूज, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। और तीसरी बात, अब आप मुझे एक बात ये बताएंगे, अब आपके बारे आपको मुझे एक बात ये बताएंगे आप कि इसमें से आप कौन से परमिशन के लिए किस मॉडल वेब का ज्यादा यूज करते हैं, आप मुझे बताएंगे, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से आप मे का ज्यादा यूज करते हैं कि कैन का ज्यादा यूज करते हैं कि कुड और उड का यूज करते हैं। ये आपके ऊपर मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, और आपको बताना मुझे कि आप किस परमिशन का ज्यादा यूज करते हैं और इसमें से कौन सा परमिशन लेने के लिए आपको कौन सा मॉडल वेब अच्छा लगा। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ।